जीबी पंत फुटबॉल क्लब बुद्धि विहार मुरादाबाद के तत्वावधान में फुटबॉल टूर्नामेंट का शानदार गौरवपूर्ण समापन सेक्टर 4 बुद्धि विहार के मैदान में हुआ। फाइनल मुकाबला हरथला बॉयज ए और जीबी पंत एफसीए के मध्य खेला गया। प्रत्येक खिलाड़ी को 1,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसने खिलाड़ियों के जोश को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। इस प्रकार आदित्य और संदीप को 1,000 रुपए नगद पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैच का परिणाम पेनाल्टी शूट आउट से भी ना हो पाने के कारण सडन डेथ से किया गया, जिसके बाद जीबीएफसीए के पक्ष में मैच रहा। इस प्रकार टूर्नामेंट की विजेता जीबीएफसी और उप विजेता हरथला बॉयज ए मुरादाबाद रही। मैच के दौरान नगर विधायक रितेश गुप्ता ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन मैदान पर पहुंचकर किया। समापन समारोह में आराध्यम के सचिन चौधरी, धर्मपत्नी आभा चौधरी के साथ पूरे मैच में उपस्थित रहकर खिलाड़ियों को तन मन धन से उत्साह बढ़ाया और फुटबॉल को शिखर पर पहुंचाने हेतु तन मन धन से सहयोग देने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने आगामी कुछ माह में एक शानदार फुटबॉल टूर्नामेंट चौलकपुर स्टेडियम में कराने का आश्वासन भी दिया और साथ ही जनपद के गरीब खिलाड़ियों को आगे बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया। टूर्नामेंट में हरथला बॉयज, टाइगर क्लब, ज्वाला एफसी रामपुर, कूल बॉयज, जीबीएफसी मुरादाबाद, सोनकपुर स्पोर्ट स्टेडियम, रेलवे एकेडमी, शिरडी साई पब्लिक स्कूल मुरादाबाद आदि मुख्य टीमों ने प्रतिभाग किया। आज आपने मैच किया, आज किस चीज का मैच चल रहा है? आज हरथला बॉयज और जीबी पंत फुटबॉल के बीच कब से चल रहा है मैच? कब से चल रहा है ये? 4 तारीख से, 4 और 5 का दूसरा सेमीफाइनल हरथला बॉयज और ए के बीच खेला जाएगा। बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन किया है हमारे फाइनल में, टैकल कर लिया था लेकिन अंतिम खेल में बाउंस मिल गई। रितेश गुप्ता जाएंगे, रेफरी इंफ्राचेक आराध्या, इंफ्राचेक प्राइवेट विकेट के लंबी सीटी और इसी लंबे सीटी के साथ मध्यांकर बहुत ही श्री सचिन चौधरी जी भी के खिलाड़ियों के द्वारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीपी पंत फुटबॉल क्लब के तत्वाधान मीडिया के साथ 4 और 5 तारीख को 7-a-side फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उनका स्वागत। 13 टीमें एवं रामपुर की एक टीम ने प्रतिभाग किया, 14 टीमों ने भाग लिया। उसके बाद 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची, जिसमें बी हरथला बॉयज, हरथला बॉयज ने प्रतिभाग किया। पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है, उसके तुरंत बाद दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला।